बिहार और उत्तर प्रदेश के सबसे प्रमुख छठ महापर्व की तैयारियां उपासना करने वाले परिवार में 31 अक्टूबर से शुरू होगी। गुरुवार से रविवार तक छठ महोत्सव में घर पर विभिन्न पूजा के बाद डूबते व उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए पूर्वांचल वासियों की भीड़ हनुमान पाले व नारायण घाट पर उमड़ेगी। गुरुवार 31 अक्टूबर को नहाए खाए के साथ ही छठ महोत्सव की शुरुआत हो जाएगी। समाजजनों द्वारा 1 नवंबर शुक्रवार को खरना किया जाएगा। इसके साथ ही 72 घंटे की पूजा व 36 घंटे की उपासना का क्रम चलेगा। 2 नवंबर शनिवार शाम को समाजजन द्वारा डूबते सूर्य को, 3 नवंबर रविवार को उगते सूर्य को पानी में खड़े होकर अर्घ्य दिया जाएगा। छठ पर्व पर मूलभूत सुविधाएं नगरपालिका परिषद द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। 2 और 3 नवंबर को चंबल के विभिन्न घाटों पर मेले जैसा नजारा लगेगा। विशेषकर हनुमान पाला और नायन घाट पर करीब 20,000 लोग रहेंगे। जुलूस के रूप में उपासकों का परिवार दोपहर से ही चंबल तट पर पहुंचेगा। कई उपासक उगते सूरज की पूजा के बाद यहीं पर रत जगा कर सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत तोड़ेंगे। इस मौके पर समाजजनों के स्वागत के लिए नदी मार्ग के दोनों ओर विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा स्वागत द्वार भी लगाए जाएंगे। छठ पूजा का वर्णन विभिन्न ग्रंथों में भी किया गया है। महाभारत में पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने धौम्य ऋषि द्वारा वर्णित विधि अनुसार छठ व्रत कर अपने खोए हुए साम्राज्य व यश की प्राप्ति की थी। सूर्यपुत्र कर्ण द्वारा भी अपनी प्रतिष्ठा इसी व्रत के आधार पर प्राप्त की। ज्योतिषियों के मुताबिक सूर्य के उच्च व नीच स्थान में होने से व्यक्ति का स्वभाव आदि परिवर्तन होता है। इसी कारण छठ पर्व पर सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। सूर्य पूजा द्वारा विभिन्न रोगों से छुटकारा होने के साथ परिवार की समृद्धि भी होती है।